झांसी के सिपरी बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम केशवपुर के पास एक ट्रांसफार्मर पर काम करते हुए करंट लगने से संविदा कर्मी खंभे से गिर गया, इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सिपरी बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम केशवपुर में एक निर्माणाधीन मकान के पास डबल पोल पर ट्रांसफार्मर लगाया गया था। आज एक संविदा कर्मी ट्रांसफार्मर पर काम कर रहा था, इसी दौरान अचानक करंट प्रवाहित हो गया और करंट लगने से संविदा कर्मी ऊंचाई से नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही उसके सिर में चोट लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसकी जानकारी लगते ही पुलिस व आसपास के दर्जनों ग्रामीण मौके पर इकट्ठे हो गए। मृतक के पिता ने बताया कि उसका पुत्र दिनेश राजपूत कई वर्षों से बिजली का काम कर रहा था, आज अचानक दुर्घटना का शिकार हो गया। वहीं क्षेत्राधिकारी नगर राजेश कुमार सिंह का कहना है कि परिजन जो भी लिखित तहरीर देंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपके लड़के का दिनेश क्या कर रहा था काम? सुबह सुबह निकला हो गया, क्या घर से बोल के निकला था? लाइट, तो इसमें किसकी लापरवाही मानना है आप? मकान वाले ने बुलाया था। अच्छा अच्छा, कोई बिजली विभाग से कोई अधिकारी वगैरह आया? कोई नहीं आया अभी तक। क्या मांगे आपकी? कब से लाइट का काम कर रहा था? संविदा कर्मी था? संविदा कर्मी बिजली विभाग में संविदा कर्मी पे था क्या? संविदा कर्मी का ये केशवपुरा है थाना सिपरी बाजार क्षेत्र में, वहाँ एक नया ट्रांसफार्मर रखा जा रहा था, अचानक उसमें करंट प्रवाहित होने की वजह से एक 36 वर्षीय संविदा कर्मी की डेथ हो गई है। अभी सूचना आई, पुलिस ने बॉडी को लेकर के पीएम कराने के लिए मोर्चरी भेज दिया है। जो भी परिजन उनके तहरीर देंगे उस पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।